दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको लंगोट, जो एक प्रकार से दवाई के रूप में भी इसका उपयोग होता है और कभी कभार इसकी आवश्यकता पड़ता है, और भैंस बहुत सरल, जब नहीं बनाए रहो तो कैसे बनाते हैं ये होता है, तो इसमें सहज है। और ये 36 इंच से लेके आप 40-42 इंच सबके लिए कामने का आ जाएगा। तो सर्वप्रथम इसको हमें कामन रूप से 38 इंच का ही सीट के हिसाब से हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो ये दो भाग में बनता है, तो एक जो नीचे का भाग है, एक कमर का भाग होता है और एक नीचे का भाग। तो जो हिप है कितना, 38। तो 38 से हिप से हम 6 इंच अधिक ले रहे हैं। तो 6 इंच अधिक कितना हुआ, 44। ये अब ये हो गया आपको ऊपर का भाग। ऊपर का भाग हम 38 का कितना हुआ, 1/4, 9.5। तो ये 9.5, ये 9.5 हुआ, 4.5 यानी 9.5। तो सिलाई में कुछ दबेगा आधा इंच, तो आधा इंच उसको हम बढ़ा दिए, ठीक। आप जो हिप है उसकी 1/4 ले और सिलाई के अलग ले जाए। अब इससे आप 4 इंच नीचे, अब ये जो भाग है नीचे लगेगा वो तैयार आपका ये 7 इंच तैयार आना चाहिए, 7 इंच, आधा इंच सिलाई में डरेगा लगभग। ये देखिए यहाँ भी हमने 1/4 दिया, यहाँ पर ही नीचे का जो भाग, जब क्रमशः जो नीचे पट्टी बराबर जाएगा वो कितना होगा, 3.5, कुल टोटल हो गया 4। अब इसको हम यहाँ नीचे दे रहे हैं, कितना नीचे दे रहे हैं, 6 इंच, ये कटिंग है 6 इंच, ये तैयार 5 इंच आएंगे। नीचे को ज़्यादा चौड़ा देने की आवश्यकता नहीं है, अरे कपड़ा डबल है इसको कम दे, इसकी आवश्यकता सिर्फ ये लपेटने का है, इसको बॉडी से टाइट कसने का लिए लंगोट का उपयोग होता है। जैसे आपका पुरुष के वर्ग में एक बीमारी होता है, वो उसको लंगोट पहनने का आवश्यकता पड़ता है उसके लिए है। अब इसको यहाँ से हम बिल्कुल सीधा कटिंग यहाँ से करेंगे, तो हम यहाँ से ही हम इसको सीधा करते हैं। अब यहाँ से हम इसको राउंडिंग देंगे, डबल ये आपका बारीक से सिलाई से चारों तरफ ये मुड़े गए हैं। अब ये हो गए एक भाग। अभी कमर का, तो कमर में कसने का है, ये पूरा कपड़ा लिया हूं मैं लंबाई में, ये भी 38 इंच इसका हिप है। तो 38 इंच का हाफ कितना हुआ, 19 इंच। 19 इंच में हमने कितना बढ़ाया है, ये लगभग लगभग 6 इंच, ये है 7 इंच के आसपास है। तो इंच आधे इंच उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे हमने 6-7 इंच अधिक हिप की नाप से 7-6 इंच हमने ये जो लंबाई कमर की उसको अधिक ली। अब
ये दो भागों मोड़ा हो दोस्तों, जो ये ज्वाइंट है जो इधर नहीं, अब इधर कमर की भाग सामने की तरफ की भाग ज़्यादा चौड़ा ना दे, इसको मात्र 5.5 इंच इधर भी मुड़ेगा इधर भी मुड़ेगा तो 4.5 इंच आएगा, ज़्यादा चौड़ा इसकी देने की आवश्यकता नहीं, 5.5 इंच। अब इसके अपेक्षा यहाँ पर आप आधे इंच अधिक दे दें, 6 इंच ये राउंडिंग भाग रख दीजिए। इस यहाँ के अपेक्षा यहाँ हम 1 इंच अधिक दे रहे हैं, इसको कितना दिए 5.5, इसको हम दे रहे हैं 6.5। ये ऐसे इसमें जुड़ेगा दोस्तों, ज्वाइंट होगा और इसको हम दे रहे हैं ठीक उसकी हाफ, 9.5 का 9.5 ही दे रहे हैं। ये देखिए ऊपर कमर का भाग है, अब इसको हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, उससे 8 इंच भी कम दे सकते हैं, इसकी आवश्यकता कम पड़ता है। वैसे देखिए दोस्तों ये ऐसी शेप आएगा, इसको और ज्यादा बंद चाहिए पीछे साइड, तो ये कर सकते हैं, बस यही सेफ है, कुछ नहीं है, पीछे पीछे भाग जाएगा ये। लंबा नड़क ली पट्टी काट ली है तो ज्वाइंट करो भी तिरछा दे, सीधा देने से गठान आता है तो तिरछा देने से मजबूती भी रहता है, गठान नहीं आता, ऐसी तो जोड़ दिए हैं। इसको ज़्यादा इतना चौड़ा है उसको अपन मोड़ के डबल किए, डबल के बाद फिर एक बार फिर इसका इतना पतला रखे, ज़्यादा चौड़ा ना रखे। सेंटर काट लिए, इसको हम यहां से जोड़ रहे हैं। इसको चारों तरफ से ये ऊपर जो कमर का भाग है इसको थोड़ा 1/2 इंच थोड़ा ऐसे थोड़ा मोटा दे, 1/2 इंच कुछ कम है, 5 इंच भी दे सकते हैं। डबल मुड़ा है दोस्तों ये, ताकि यही मजबूती रहता ऊपर बांधते हैं। Thank you.
ये लगभग 3 मीटर, 3 मीटर अर्थात जो सीट है, हिप है, 38 उससे तिगुना ये लंबाई नारा काम ले रहे हैं, ताकि उसको कई बार कमर से बांधते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये छोटा सा लूप्स देख रहे हैं, देखिए ये ऊपर कमर भाग है, नीचे भाग है, यहाँ पर कुछ इस तरह दे देंगे। जमा दे, और इसके दूसरे भाग है, कमर ऊपर वाली भाग है, इस नालक को ऐसे लंबा जमा है, उसमें ज्यादा पकड़ रहता है, अधिक कपड़ा तक उसका सिलाई रहता है। बस इतना ही है दोस्तों, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इस कमर जो ऊपर का भाग है, उसको जो सीट के नाप से हमने 4 इंच 5 इंच 6 इंच अधिक दिए, ये जो देख रहे हैं, और वैसे यहाँ भी ये वाली भाग, और ये जो चौड़ाई है, इसको हमने सीट के ठीक 1/4 काटे, तैयार में वो 1 इंच कम आएगा, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, बस ये क्रमशः, ये और कुछ नहीं है विशेष। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कभी नहीं बनाए रहो तो कैसे बनता है, ऐसी रहते, बाकी बहुत सरल है, इजीली है, इसको पहलवान लोग भी पहनते हैं, और जो कई लोग उसको दवाई के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। धन्यवाद।